जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में दिया चौंकाने वाला बयान, विपक्ष को लेकर ये क्या कह दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस तरीके से लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है और इसी मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रही है, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में परिणाम इस प्रकार होंगे कि 400 से अधिक सीटें ये बीजेपी जीत लेगी। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को धराशाही करने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के जरिए की जा रही है। आप खुद कल्पना करिए कि समय के मुताबिक ये गठबंधन काबिल होने के पहले ही इसमें एक बड़ी फूट और दरार देखने को मिल रही है, जहां पर पंजाब में देखा गया भगवंत मान आम आदमी पार्टी के जरिए अपने बलबूते पर लड़ने की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने बलबूते पर लड़ने की बात कर रही है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव के कई समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं, लगातार सवाल या निशान कांग्रेस पर किए जा रहे हैं। और शुरुआती दौर पर यही देखा गया कि इंडिया गठबंधन में आखिर बहुजन समाज पार्टी शामिल क्यों नहीं है, तो एक कहने की मजबूत विपक्ष की भूमिका के तौर पर ये इंडिया गठबंधन को देखा जा रहा था। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां संसद के अंदर में मौजूद है और विपक्षी कहने की भूमिका में अब देखी जाती है। इस पूरे के पूरे मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा सदन में जो कहा है, वो सदन में जो बात कही गई है, वो बात कहीं ना कहीं काफी सारे मुद्दों को लेकर इशारा करती है कि आने वाला लोकसभा 2024 का परिणाम और उसके बाद का भविष्य, भारत का भविष्य क्या कुछ हो सकता है। इस पूरे के पूरे मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में जो बात कही है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो इतना ज्यादा अहम होने वाला है कि विपक्ष जो है, जो कहने के आज हमारे सामने में देखने को मिल रहा है, ये विपक्ष जो दर्शक है, ये दर्शक दीर्घा में देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो ऑडियंस है, जो लोग बैठते हैं उन तमाम जगहों पर देखने को मिलेगा। विपक्ष की भूमिका जिस तरीके से सदन में होती है और जहां पर विपक्ष अपनी भूमिका के आधार पर जो बैठता है, उन तमाम सीटों पर विपक्ष देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा या फिर सत्ता में आएगा, जिसके कारण विपक्ष ये ना के बराबर देखने को मिलेगा और स्थिति इस प्रकार निर्माण हो जाएगी कि दर्शक दीर्घा में अगर रहना, ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी साबित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में जो चीजें छुपी हुई है इसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ईवीएम का जो मुद्दा है वो पूरे देश में बड़े पैमाने पर उठाने का काम किया जा रहा है। बीते 31 जनवरी पर जिस प्रकार दिल्ली के जंतर मंतर पर और चुनाव आयोग का घेराव करने का काम किया गया है, ईवीएम को लेकर पूरे देश में एक आम जन की चर्चा का विषय बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर ईवीएम बदलने को लेकर लगातार चर्चा और बातचीत देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार
ईवीएम के विरोध में लगातार पूरे देश में एक विरोधाभास वाला माहौल है। तमाम तरीके से पिटीशन याचिकाएं जारी की जा रही है, याचिकाओं का अंबार लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रतिक्रिया देता हुआ नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग भी इसके ऊपर में कोई ठोस भूमिका लेते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का दबाव, सरकार के जरिए इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण ईवीएम के बदलने वाले इस मुद्दे को लेकर और बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करने की इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सकारात्मक भूमिका बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही। और इसीलिए फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को ईवीएम के आधार पर ही करना चाहती है। उसे भलीभांति पता है कि ईवीएम किस तरीके से हैक किया जाता है, कैसे काम किया जाता है और किस आधार पर परिणाम हो सकते हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के जरिए किया जाने वाला 400 से अधिक 400 को पार करने वाला आंकड़ा ये साबित करता है कि आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। इसके साथ साथ बीता जो चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ, जिसकी तमाम जो वीडियो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर किस तरीके से धांधली करने का काम किया गया है और इस प्रकार की धांधली ईवीएम में भी होती है और होती आ रही है। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो लगातार अपने बयानों के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर में सही मायने में जो संज्ञान लेना चाहिए, इस संज्ञान तमाम चुनाव आयोग के जरिए लेता है, बिल्कुल भी वो दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दिया गया जो बयान है वो कितना ज्यादा अहमियत साबित करेगा भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जाने वाले जो तमाम वादे हैं, जो 400 से पार करने वाले जो अंदाजा है, वो अंदाजा कितना ज्यादा कारगर साबित होगा और लगातार देश में लोकतंत्र को नाबूद करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का जो उपयोग किया जा रहा है और बहुजन समाज इन तमाम मुद्दों को लेकर किस नजरिए से देखता है, इसके ऊपर में क्या अपनी प्रतिक्रिया देगा और प्रतिक्रिया के आधार पर देश में किस तरीके के माहौल को निर्माण करने का काम करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दिए गए बयान के पीछे की आखिर सच्चाई, वास्तविकता क्या बहुजन समाज आज समय के मुताबिक समझेगा, या फिर बड़े बड़े वादे जो बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले और लगातार बीते 10 वर्षों में की है, इसके गफलत में फिर एक बार आ जाएगा, तो ये आइए अब आपको ही निर्धारित करना पड़ेगा। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।